नमस्कार दोस्तों, भाजपा की गठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, पिछले हफ्ते एक शीर्ष आतंकवादी की पुलिस मुठभेड़ में तोड़फोड़ और आगजनी के बीच मेघालय के गृह मंत्री लखमेंद्र रिंगबुई ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहां तक ही नहीं, सीएम संगमा के घर पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। आपको बता दें, राज्य सरकार ने शिलांग में कर्फ्यू की घोषणा की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 4 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित त्याग पत्र में उन्होंने कहा, मैं उस घटना को लेकर आश्चर्य व्यक्त करता हूं, जहां कानून के सिद्धांतों को लांघते हुए चेरिस्टरफील्ड थांगखियो के आवास पर पुलिस की छापेमारी के बाद उसे मार गिराया गया। रिंगबुई ने कहा, मैं आपसे खुद को गृह पुलिस विभाग की जिम्मेदारी से तत्काल मुक्त किए जाने का आग्रह करता हूं। इससे सरकार द्वारा घटना के पीछे का सच सामने लाने के लिए गठित जांच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरह से हो सकेगी। मैं इस मामले की न्यायिक जांच का प्रस्ताव करता हूं। रिंगबुई ने कहा कि उनकी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी उनके पद छोड़ने के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैंने अपने दल के नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद ही इस्तीफा दिया है, ताकि थांगखियो की मौत के मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। वहीं मुख्यमंत्री के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, क्योंकि गृह मंत्री रिंगबुई घटना से अवगत थे। एक पूर्व आतंकवादी की पुलिस द्वारा गोली मारने के बाद शिलांग में हिंसा के बीच अज्ञात लोगों ने रविवार रात मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर एक पेट्रोल बम फेंका। पुलिस के अनुसार, संगमा के थर्ड माइल स्थित निजी आवास के परिसर में वाहन सवार हमलावरों द्वारा रात करीब 10 बजे के बाद दो मोलोटोव कॉकटेल बोतलें फेंकी गयी। पहली बोतल सीएम आवास के सामने और दूसरी को पिछवाड़े के पीछे फेंकी गयी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 4 जिलों पूर्वी खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और रिभोई में दूरसंचार सेवाओं को 48 घंटे 15 अगस्त को शाम 6 बजे से निलंबित कर दिया गया है। प्रतिबंधित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के पूर्व नेता चेस्टरफील्ड थांगखियो को उनके आवास पर पुलिस छापे के बाद मार दिया गया था। पुलिस महानिदेशक आर चंद्रनाथन ने कहा कि थांगखिव ने पुलिस टीम पर चाकू से हमला किया, जिससे जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मेघालय के सबसे खूंखार उग्रवादियों में से एक के रूप में माने जाने वाले 54 वर्षीय थांगखियो अलगाववादी HNLC के संस्थापक महासचिव थे, और उन्होंने अक्टूबर 2018 में शिलांग में उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। HNLC, जो मेघालय में एक संप्रभु खासी मातृभूमि की मांग करता है, हाइनीवट्रेप अचित लिबरेशन काउंसिल का एक अलग गुट है, जो राज्य का पहला उग्रवादी आदिवासी संगठन है, जिसका थांगखियो एक संस्थापक सदस्य था। उनकी मौत के बाद पुलिस ने कहा था कि उनके पास स्पष्ट संकेत हैं कि थांगखिव मंगलवार के विस्फोट में शामिल थे। मेघालय के DGP आर चंद्रनाथन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि थांगखिव जुलाई में पूर्वी जयंतिया हिल्स के खलीहरियात में पहले IED विस्फोट में भी शामिल था। शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, सहायक IGP GK इंदराई ने कहा कि पुलिस ने 13 अगस्त को सबूत के आधार पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि जब पुलिस दल ने किंटन मस्सार में उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश की, तो आत्मसमर्पण करने वाले कैडर ने बचने के प्रयास में टीम पर चाकू से हमला किया।